तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से YouTube चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। देखो फ्री फॉल बेटा, देखिए इसकी डेफिनेशन अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन बेटा यहाँ पर क्या होती है, द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ अट्रैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर। ठीक है, तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रिलीज फ्रॉम द हाइट इज फॉल टूवर्ड द सर्फेस ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट सेट टू हैव ए फ्री फॉल। ठीक है, देखो जैसा कि आप बेटा वीडियो में देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए एक पर्सन बेटा स्काई डाइविंग किया आपका, देखिए और देखिए क्या हो रहा है आपका, ये आपका फ्री फॉल। इस कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल, क्योंकि देखिए ये अपना फॉल नहीं हो रहा है, इसको ग्रेविटी बेटा क्या कर रही है, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। और बेटा देखिए ये अभी कौन सी स्टेट में बोलते हैं इसको, ये आपकी स्टेट है फ्री फॉल। ठीक है, आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं कि देखिए आपका नीचे आपका आ रहा है और देखिए इसकी स्पीड भी बढ़ रही है। ठीक है, अब जरा देखिए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका, तो देखिए यहाँ पर कोई बेटा पर्सन है, देखिए इसने क्या करा, इसने ना बॉल को देखिए यहाँ पर आपका आपका इसने क्या करा, इसको बेटा फॉल कराया। तो टी इज कल टू जीरो, आपका डी इज कल टू जीरो है ना, इसको थोड़ा मैं जूम कर देता आपका मैं। तो देखिए यहाँ पर क्या डेटा आपका, देखिए जब आपका आपका टी इज कल टू जीरो था, तो बेटा आपकी आपका बेटा डिस्टेंस कितना चला, आपका जीरो चला। ठीक है, जरा यहाँ पर दोनों बेटा इमेज को मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ आपका मैं, देखिए दोनों इमेज बेटा यहाँ पर मैं कंपेयर करना चाह रहा हूँ। तो देखिए जब आपका टाइम जीरो था, तो बेटा आपकी स्पीड बेटा कितनी थी, 0 मीटर पर सेकेंड, और डेट केस बेटा आपका डिस्टेंस बेटा कितना था आपका, आपका जीरो था, और टाइम बेटा आपका जीरो था। ठीक है, देखिए जैसे ही देखो बेटा तो डिस्टेंस बेटा आपकी बढ़ी, टी इज कल टू आपका 1 सेकेंड हुआ। ठीक है, तो डेट केस बेटा स्पीड बेटा कितनी उसकी हो गई, 99.8 मीटर पर सेकेंड, और डिस्टेंस बेटा कितनी आपकी होगी, 4.9। क्यों बेटा, कौन सा फॉर्मूला बेटा यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर आपका हम, वी इज कल टू यू प्लस ए टी, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला बेटा यूज़ कर रहे हैं आपका, क्योंकि आपका अंडर द ग्रेविटी बेटा आपकी वैल्यू, आपकी ए की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ए की बेटा वैल्यू पुट करके हम बेटा यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं। देखिए ये वाला केस जो आप देख रहे हैं, पर सेकंड बेटा आपकी स्पीड कितनी बढ़ रही है, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आप जो ए की वैल्यू यहाँ पर देख पा रहे हैं बेटा, हमको क्या बता रहा है कि पर सेकेंड किसी ऑब्जेक्ट की बेटा स्पीड क्या बढ़ेगी, 9.8 बढ़ेगी है ना। और बेटा यहाँ से हम दूसरा फॉर्मूला एस कल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले का यूज़ करके बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें डिस्टेंस आपका फाइंड कर रहे हैं। तो बेटा आप लोग क्या देख रहे हैं यहाँ पर आपका, कि बेटा 1 सेकेंड था, तो बेटा इसकी स्पीड कितनी थी, 9.8, डिस्टेंस कितना चला 4.9, और टाइम कितना था 1 सेकेंड। आफ्टर टी इज कट टू 2 सेकेंड में देखिए डिस्टेंस कितना चला, 19.6, और बेटा इसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, देखिए यहाँ पर आपका 19.6 मीटर पर सेकेंड हो गई। ठीक है, तो आप लोग जरा यहाँ पर गैप देख रहे हैं, पर सेकेंड देखिए ज़्यादा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है, मतलब नेक्स्ट सेकंड में क्या कर रहा है, प्रीवियस सेकंड से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। क्यों, क्योंकि पर सेकंड बेटा उसकी स्पीड कितनी बेटा बढ़ रही है आपकी, 9.8। आप लोग खुद देखिए यहाँ पर इसका, देखिए स्पीड लगातार बेटा क्या हो रही है, इसकी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है बेटा आपका, क्योंकि बेटा अर्थ बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है, अर्थ बेटा उस पर लगा रहा है फोर्स, और फोर्स बेटा कौन सा आपका है, ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा। कौन सा फोर्स आपका है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो बेटा कहाँ लग रहा है, टूवर्ड द सेंटर लग रहा है। और जिसका बेटा फॉर्मूला बेटा देखिए यहाँ पर आप लोग देख भी पा रहे होंगे है ना, इससे पहले ये इसका फॉर्मूला बेटा आपका है एफ कल टू जी m1 m2 अपन r2। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बेटा कहाँ पर आपका रखा, देखिए ये हमने से पहले प्रूफ भी किया था आपका, ये आपका अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे है तो कितना फोर्स उसका बेटा टूवर्ड द डाउनवर्ड आपका लगता है, यहाँ से हम बेटा इसको फाइंड भी कर सकते हैं। और देखिए जरा इस डायग्राम आप लोग देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ होता है आपका, सपोज आपका एप्पल है भी किसी आपका एच हाइट पर है, तो डैट केस पे बेटा वो कहाँ जाएगा टूवर्ड द ऑलवेज, वो ऑलवेज टूवर्ड द सेंटर जाएगा। ठीक है, अगर एप्पल यहाँ पर होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी आपकी, इधर होगी। अगर एप्पल सपोज आपका इधर होगा तो डैट केस पे बेटा डायरेक्शन क्या होगी आपकी, ऐसे होगी। ठीक है, तो इट मीन्स जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा बेटा उसका जो फ्री फॉल होगा, वो फ्री फॉल कैसी कंडीशन है, जब उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है टूवर्ड द सेंटर, और कैसा फोर्स है आपका, अट्रैक्शन फोर्स है। ठीक है, आप एक बार फिर वीडियो में देख पा रहे होंगे, जो स्काई डाइविंग आपकी हो रही है, ये आपका फ्री फॉल की बेस्ट कंडीशन है, जहाँ पर बेटा आदमी आपका टूवर्ड द अर्थ आपका जा रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यही बेटा जो कंडीशन आपकी है, मोशन जो मोशन बेटा आपका है ड्यू टू द अंडर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को बेटा हम लोग कंडीशन को बोलते हैं फ्री फॉल। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की साइंस की बेटा वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, आप लोग देख भी पा रहे हैं।
और साथ में बेटा यहाँ पर हम इसके क्लास 9th के साइंस के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस भी बेटा अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ, और साथ में इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parimal.com पे अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।